नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मणि भूप नरहरिदास जनक भीषम भली शुकमणि धर्म स्वरूप द्वादश प्रधान भक्त द्वादश प्रधान भक्तों में से हमने अभी तक विधि नारद शंकर सनकादि ऋषि कपिल देव और राजा मनु इनकी कथा का हमने श्रवण किया आज शुभारंभ होगा भक्त प्रहलाद महाराज जी की कथा का जो कि बाल्यकाल में ही उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को अनन्य भक्ति को निष्काम भक्ति को वो तो माता के गर्भ से ही प्राप्त करके जन्म लिए थे कैसे उन्होंने माता के गर्भ में ही उस निष्काम भक्ति का प्राप्ति कर ली निष्काम भक्ति का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया किस प्रकार से उनकी भक्ति के मार्ग में दीक्षा हुई उस पर थोड़ा आज मनन चिंतन करेंगे भक्तों की कथाओं का श्रवण करने का जो मूल उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि उनके चित्रों को हम प्रेरणा का स्रोत समझते हुए उनसे सीख लेते हुए तदनुसार अपने जीवन जीने का प्रयास करें। लेकिन उस प्रयास में हम तभी सफल हो सकते हैं जब काम क्रोध लोभ रूपी ये जो महादैत्य हैं महापापमा महाशणा जिन्हें कहा भगवान ने श्रीमद भगवद गीता में महान पापी हैं और बहुत खाने वाले हैं पापी भी बहुत हैं क्योंकि ये पाप कर्म में हमें प्रवृत्त करते हैं काम क्रोध लोभ और बहुत खाने वाले हैं इनका कभी पेट भर नहीं सकता काम का क्रोध का लोभ का इन तीन काम क्रोध लोभ रूपी राक्षसों का पेट नहीं भर सकता और ये महापापी हैं जब तक ये हमारे हृदय में स्थान बनाकर बैठे रहेंगे भक्ति देवी का वहां पर पदार्पण होना संभव नहीं जान पड़ता जहां पर काम क्रोध लोभ होगा वहां पर ज्ञान वैराग्य का अंकुर नहीं उत्पन्न हो सकता बीच तो रहेगा ज्ञान का बीच तो रहेगा वैराग्य का लेकिन काम क्रोध लोभ रूपी ये जो दैत्य हैं, ये अत्यंत प्रचंड अग्नि अत्यंत प्रचंड धूप की तरह उस अंकुर को प्रस्फित होने ही नहीं देंगे इस बीज को अंकुरित ही नहीं होने देंगे ये काम क्रोध लोभ रूपी अगर ये महादैत्य हमारे हृदय में बैठे रहे तो तो इन काम क्रोध लोभ रूपी दैत्यों को अपने मन से हटाने के लिए अपने अंतर से हटाने के लिए क्या करें भक्तों की कथाओं का श्रवण करें कथा का, का श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में तो सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए कि भक्तों की कथाओं का भगवत कथाओं का हम श्रवण करें होता क्या है कई बार भगवत कथा श्रवण करने से मन में भ्रांति हो जाती है हो जाती है कि ऐसा भगवान ने कैसे कर दिया ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे संभव है क्या सच में ऐसा हुआ था कई प्रकार की भ्रांतियां मन में उत्पन्न हो सकती हैं। वो भ्रांतियां अगर हम उनको दूर करना चाहते हैं तो हमें भक्तों के चरित्र का श्रवण करना चाहिए भक्तों के चरित्र का श्रवण उत्तम है उत्तम है रूपी भ्रांति की हाँ समूल नाश के लिए उत्तम ये औषधि है भक्तों के चरित्रों का श्रवण तुलसीदास तो जी ने भी कहा काम क्रोध लोभ की जो लो मन में खान तो लो पंडित मूर्ख हो तो एक समान जब तक काम क्रोध लोभ रूपी दैत्य बैठे हुए हैं अपने हृदय में थानेदार की तरह तब क्या तब तक क्या होगा कोई मूर्ख है या पंडित है कोई ज्यादा अंतर नहीं है एक समान है क्योंकि सब प्रकार की पंडिताई सब प्रकार का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब कोई व्यक्ति काम क्रोध या लोभ के आवेश के वशीभूत हो जाता है किसी प्रकार की पंडिताई वहां किसी प्रकार का ज्ञान किसी प्रकार की बुद्धि वहां काम नहीं करती तो अगर बुद्धि काम नहीं करती किसी प्रकार की पंडिताई काम नहीं करती किसी प्रकार की चतुराई वहां काम नहीं करती मूर्ख और पंडित एक समान हो जाते हैं काम क्रोध लोभ के आगे तो किसी भी प्रकार की चातुरी किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर हम अर्जित कर लें शास्त्र ज्ञान अर्जित कर लें ज्ञान से मेरा यहाँ पर अर्थ शास्त्र ज्ञान से है किसी भी प्रकार का शास्त्र ज्ञान अर्जित कर लें किसी प्र किसी भी प्रकार की चातुरी को अपना लें काम क्रोध लोभ के आगे ये पंडिताई ये शास्त्र ज्ञान ये अपना चातुरी नहीं चलने वाली अगर चलेगी नहीं तो फिर इससे कैसे पार पाएंगे इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा और यत्न करें तो बात कोई इतनी गंभीर नहीं है समझ आ सकती है बड़ी आसानी से एक बार फिर से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं हम करते क्या हैं? प्रयास करते हैं काम क्रोध लोभ को जीतने का करते हैं हम कि हम काम के वशीभूत ना हो जाएं अपनी कामनाओं के अधीन ना हो जाए कामनाओं के दास ना हो जाए हमें बहुत ज्यादा गुस्सा ना आए क्योंकि हमें मालूम रहता है कि बहुत गुस्सा आया बहुत आया तो हम अच्छे बुरे का उच अच, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाएंगे हमारा अपना अनुभव है सबका इसी प्रकार लोभ को भी हम जानते हैं लोभ जो है लोभ को तुलसीदास तो जी ने उत्तरकांड में कहा यह तो उदर ये उदर वृद्धि का रोग है जब पेट में पानी भर जाना जिसे कह देते हैं हम आजकल हिंदी में पेट में पानी भर जाता है तो क्या होता है सांस नहीं आती व्यक्ति को सांस लेने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसी प्रकार जब लोभ रूपी उदर वृद्धि का रोग हमें लग जाता है तो ये लोभ हमें चैन से बैठ नहीं नहीं देता चैन की एक सांस नहीं लेने देता और हम प्रयास क्या करते हैं मानते हैं सबको पता है हम सबको पता है कि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं भगवान ने गीता में तो कह दिया त्रिविधम नरकस्यम द्वारम और हमें खुद भी पता है अपने अनुभव से कामनाओं के वशीभूत होकर क्रोध के वशीभूत होकर लोभ के वशीभूत होकर हम कोई सुख में जीवन जी नहीं सकते तो इन अनुभवों के कारण हम काम क्रोध लोभ को जीतने का प्रयास करते हैं लेकिन हम जीतने का प्रयास कैसे करते हैं इस पर थोड़ा विचार करें हम ये सोचते हैं कि हम कामनाओं को जीत लेंगे हम क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे हम अपने लोभ को भी संयमित कर लेंगे लेकिन किससे करेंगे हमारे पास क्या साधन है काम क्रोध लोभ को संयमित करने के सोचेंगे कि हम अपने मन को वश में कर लेंगे तो सोचेंगे मन को कैसे वश में करेंगे जी बुद्धि से वश कर लेंगे ठीक है कर सकते हैं लेकिन हमें सफलता मिलती नहीं क्यों नहीं मिलती क्योंकि हमारा अहम बीच में आ जाता है हमें क्या लगता है कि हम अपने अहम से अपने आत्मबल से इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आत्मबल से बुद्धि बल से इन तीन महान शत्रुओं को जीतने का जो हम प्रयास करते हैं वो हमारे अहम की पुष्टि का कारण बन जाता है अहम पुष्ट होगा तो कामनाएं प्रबल होंगी क्रोध भी बढ़ेगा अहम पुष्ट होने से और लोभ भी बढ़ेगा तो किसी भी प्रकार की साधना अब हम कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं काम क्रोध लोग को जीतने का या और भी किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो उस साधना में हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसका एक ये सामान्य सा मापदंड है कि हमारा अहम हमारा सीमित अहम पुष्ट हो रहा है या क्षीण हो रहा है अगर तो पुष्ट हो रहा है तो फिर वो साधना ठीक नहीं हो रही और अगर ये जो हमारा काम क्रोध लोभ को जीतते हुए अगर सही में जीत रहे हैं तो हमारा अहम क्षीण होना चाहिए अहम क्षीण होगा अहम क्षीण होने के साथ साथ क्या होगा हमारा मन शांत तो होगा हमारी बुद्धि स्थिर होगी हमारी बुद्धि स्थिर होगी इसलिए अगर हम काम क्रोध लोभ को जीतना चाहते हैं तो किसी ऐसे मार्ग को ना अपनाएं जिससे कि हमारा अहम पुष्ट हो अगर अहम पुष्ट होगा सोचेंगे कि मैंने जीत लिया काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को तो वो हो नहीं पाएगा हम घूमते रहेंगे इस चक्र में अहम पुष्ट होता रहेगा किसके नाम पर साधन के नाम पर पुष्ट होता रहेगा आत्म उन्नति के नाम पर और अहम की पुष्टि इस प्रकार से जब तक होती रहेगी तब तक कामनाएं क्रोध और लोभ भिन्न भिन्न रूपों में रूप बदल बदल के ये राक्षस आपके सामने आते रहेंगे तो ये काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को अगर जीतना चाहते हैं और अगर हम अपनी मन बुद्धि इसको नहीं जीत सकते तो फिर क्या और साधन हमारे पास रह गया जीतने क्या हम उन महापुरुषों की संत पुरुषों की उन भगवत भक्तों की शरण ले जिन्होंने इन महाशत्रुओं को सहज जीत लिया सहजता से किसी प्रकार से बिड़े नहीं इनके साथ जो भगवत भक्त है ये बात एक आपको और बता दूं जो भगवत भक्त है वो काम क्रोध लोभ से भिड़ता नहीं है भिड़ता नहीं है का क्या अर्थ है वो इनसे ज्यादा उलझता नहीं है वो काम क्रोध लोभ से ज्यादा लड़ता नहीं है रहने देता है इनको एक स्थान पर जहां पर है ध्यान कहाँ केंद्रित करता है काम क्रोध लोभ पर नहीं भगत भक्त का ध्यान तो भगवत चरणों में लगा रहता है काम क्रोध लोग रूपी शत्रुओं को जीतने में नहीं तो कैसे जीतेगा एक भगवत भक्त कैसे काम क्रोध लोग को जीत लेता है अपने अहम को भगवत चरणों में अर्पित करके अहम को मन को बुद्धि को अगर भगवत चरणों में लगा दिया भक्ति देवी वहां पर स्वतः दौड़ी आएगी उस मन में उस बुद्धि में और जिस मन बुद्धि में भक्ति देवी इष्ट देव का प्रकाश होगा वहां पर किसी भी प्रकार का काम क्रोध लोभ रह नहीं सकता और हम जैसे साधकों के लिए इस का सबसे सुगम मार्ग है भगवत भक्तों के चरित्र का श्रवण तो हम उन भगवत भक्तों के चरित्रों का श्रवण करें जो काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को उनके तो शत्रु ही नहीं थे वो शत्रु हमें दिखाई देते हैं उनके लिए तो वो को शत्रु थे ही नहीं उनसे वो पार पा चुके थे विजय भी मैं नहीं कहूंगा कह सकते हैं कि विजय प्राप्त कर चुके थे लेकिन विजय प्राप्त करने से ऐसा भास होगा कि उन्होंने उनसे कोई युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली नहीं वो उनसे उनका अतिक्रमण कर चुके ऐसे भगवत भग, भक्त ऐसे भगवत भक्तों का चरित्र जो कि काम क्रोध लोभ का अतिक्रमण कर चुके हैं उन्हीं की शरणागति को स्वीकार करते हुए उन्हीं उन्हीं के चरित्रों का श्रवण करते हुए सत्संग में उन्हीं का गुणगान करते हुए और उनके साथ साथ भगवत गुणों का गान करते हुए अगर हम अपने मन को अपनी वाणी को अपनी बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास करते हैं तो फिर ये शत्रु ज्यादा समय तक अपना घर हमारे मन में हमारी बुद्धि में बना नहीं पाएंगे इसीलिए सत्संग का महत्व बताया गया बार बार संत लोग सत्संग का महत्व बताते हैं हमारे धर्म ग्रंथ भी सत्संग का महत्व बताते हैं तो चलिए अब जब हम समझ गए हैं कि हमें इन प्रधान भक्तों का चरित्र श्रवण क्यों करना चाहिए तो हम क्या करें आज प्रहलाद महाराज जी के चरित्र का श्रवण आरंभ करें तो दैत्यराज राजन उनके चार पुत्र थे और प्रहलाद महाराज उनमें से सबसे छोटे थे सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद जी और दैत्यराज तो दैत्यराज ठहरे असुरराज थे और असुरों का और देवताओं का तो आप जानते ही हैं हमेशा से क्या रहता है प्रतिस्पर्धा रहती है और एक दूसरे से युद्ध होता रहता है और एक बार क्या हुआ हिरण्यकश्यप के मन में आया कब मन में आया जब उनके भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहिए कैसे बदला लेंगे देवताओं पर विजय प्राप्त करके अब देवताओं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हिरण्यकश्यप ने महान तप आरंभ कर दिया सकाम आराधना की और घोर तप किया श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि हिरण्य कैसे तप कर रहे थे और किस प्रकार से उनके तप के तेज से सभी लोक जलने लगे और उनका जो शरीर था वो देखने में नहीं आता था क्योंकि वो शाम की बाम्बियों से और अन्य अन्य जीव जंतुओं से वनस्पतियों से उनका शरीर ढक चुका था ऐसा घोर तप किया उन्होंने और तप के पश्चात उन्होंने जो वरदान प्राप्त किया वो भी आप जानते ही होंगे वो तो अमर होना चाहते थे लेकिन अमरता का वरदान नहीं मिला और वहां पर उन्होंने अपनी चातुरी चलाई तो ये जो चतुराई चलाते हैं हम लोग जब हम लोग चतुराई चलाते हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं हम भी देवों जैसा मनुष्यों जैसा वहां पर आचरण नहीं कर रहे हम दैत्यों जैसा आचरण कर रहे हैं हम भी भगवान के साथ क्या करते हैं चतुराई करते हैं चतुराई करते हैं भगवान के साथ कई बार कर देते हैं दुनिया के साथ तो करते ही होंगे संसार में तो संसार क्या संसार जिसका कोई सार नहीं दुनिया क्या दो नियम जिसके दो नियम है वो दुनिया है जिसका कोई सार नहीं वो संसार है तो इस संसार में इस दुनिया में तो हम चातुरी करते ही करते हैं भगवान के साथ भी चातुरी कर जाते हैं गुरु जनों के साथ भी आचार्य जनों के साथ भी चातुरी कर जाते हैं भांति भांति के प्रकार से तो जब हम किसी प्रकार की चतुराई में अपने आप को अविष्ट कर रहे हैं तो हम क्या बन रहे हैं हिरण्यक्ष सोच के अपने हम व्यवहार का अनुसंधान करें आत्म अनुसंधान करें कि क्या हम भगवान से चतुराई कर रहे हैं या नहीं कर रहे करते हैं कैसे चतुराई करते हैं सोचते हैं कि हमने इतना जब कर लिया अगर हम जब करने वाले साधक हैं तो सोचेंगे इतना जब कर लिया लेकिन क्या जब वो पूरी ईमानदारी से हम करते हैं ये नहीं करते हैं, ये तो हम स्वयं ही जानते हैं क्या हमने केवल संख्या ही पूरी की या जो भगवान नाम उच्चारण किया क्या वो वाकई में ही हमने प्रेम के साथ भाव के साथ किया क्या हमने अपना पूर्ण प्रयास किया अपने मन को भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में अनुरक्त करने का तो जब हमने जब कर लिया कि हाँ जी गुरु जी ने कहा है या आचार्य श्री ने कहा है जहां से भी हमने अगर दीक्षा प्राप्त की या किसी ने कहा कि इतना जब कर लीजिए हाँ जी हो गया इतना जब आज का नियम हो गया ये सभी के साथ होता है ये केवल गृहस्थ की या सन्यासियों की वैष्णो की बात नहीं है ये चातुरी हम सब लोग करते हैं किसी भी प्रकार की जीवन शैली जीने वाले हों तो हाँ प्रारंभिक अवस्था के साधक चातुरी कर जाते हैं किसी भी प्रकार की साधना में जब का तो यहाँ पे मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हाँ ये मेरे मन में आया इसलिए उदाहरण दे दिया लेकिन किसी भी प्रकार की साधना हो योग साधना हो ध्यान योग हो और भी किसी भी प्रकार की साधना हो उसमें हम क्या करते हैं चातुरी दिखा देते हैं हाँ आज का नियम हो गया जी मैं कहता हूं जिसको ये लगता है कि नियम हो गया आज का इसका मतलब अभी उसका नियम बंधा ही नहीं नियम हो गया क्या इतना जब करना था हो गया तो अब क्या करेंगे अब मतलब आज का जो भक्ति का टास्क था वो संपन्न हो गया अब चाहे कुछ भी करें ये कैसा भक्त हुआ तो पार्ट टाइम भक्त बनना है कि फुल टाइम भक्त बनना है थोड़ा विचार करें मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब कार्य छोड़ दें जो भी अपने कर्तव्य कर्म है वो ना करें और केवल माला बैठ पकड़ के बैठे रहे नहीं ये नहीं मैं कह रहा ये भी मैं जानता हूं कि अलग अलग मतों में अलग अलग प्रावधान है नियम है कितना जप प्रतिदिन करना चाहिए मैं उसका भी खंडन नहीं कर रहा मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर हम ये सोचें कि आज का नियम हो गया आज की जो भक्ति थी वो संपूर्ण हो गई अब हम निवृत्त हो गए नियम से नियम से निवृत्त होने से क्या भक्ति से भी निवृत्त हो गए पार्ट टाइम भक्त हैं कि फुल टाइम भक्त हैं थोड़ा विचार कर लें पार्ट टाइम भक्ति से काम बनेगा नहीं चलिए भगवत कृपा मिलेगी ऐसी बात नहीं है जो भी हम प्रयास करेंगे भगवान से जुड़ने का वो विफल नहीं जाता निष्काम भाव से करेंगे तो अवश्य विफल नहीं जाएगा परंतु पार्ट टाइम भक्ति को हम भक्त कहें या ना कहें ये मैं आप पर छोड़ देता हूं आप खुद ही विचार करें तो चतुराई जो है चतुराई कर जाते हैं कहेंगे अपने आप को भक्त लेकिन भक्ति के लिए टाइम फिक्स है और बाकी कामों के लिए टाइम फिक्स है कहेंगे हम कि हम इतना जब कर लेते हैं हर रोज कहेंगे हाँ गुरु जी की बड़ी कृपा है इतना जब हम रोज कर लेते हैं लेकिन बस वो गणना पूरी हुई और सोचा कि जब हो गया तो गिनती ही पूरी करनी है तो फिर अलग बात है लेकिन हम क्या वाकई में ही भगवान नाम में अनुरक्त हो रहे हैं या नहीं क्राइटेरिया वही है जजमेंट का क्या हमारा अहम पुष्ट हो रहा है कि हमारा अहम क्षीण हो रहा है अहम क्षीण हो रहा है तो साधना सही स्तर से चल रही है और अगर अहम पुष्ट हो रहा है तो साधन के नाम पर हम कुछ और ही कर रहे हैं हिरण्याक्ष भी यही माफ कीजिए हिरण क्षिपु हिरण्याक्ष की मृत्यु हिर हिर के बाद क्या करता है वो भी भक्ति कर रहा है आजकल के हाँ भाषा में उसको भी भक्ति कह देंगे कि बड़ी भक्ति कर रहा है कितने हजार वर्षों से तप कर रहा है कुछ खाया नहीं पिया नहीं कितना कठिन व्रत एक आसन से बैठे रहना इतना ही नहीं शरीर में केवल हड्डियां रह गई हैं बाकी सांप बिच्छू लिपटे हुए हैं सांपों ने घर बना लिए शरीर पर वनस्पतियां पेड़ पौधे उगाए इसे कहें क्या कहेंगे इसे हम बहुत कठोर तप किया तप भी किया कि भक्ति भी कह देंगे तब तो है लेकिन तप कैसा भक्ति कैसी सकाम कामना से क्या कामना क्या थी कामना ये थी कि मुझे देवताओं को हराना है क्यों हराना है मुझे बदला लेना है किसका बदला लेना है अपने भाई की हिरण्याक्ष की मृत्यु का ऐसा उसके मन में भाव था तो जो सकाम भक्त है वो जिस भी कामना से भक्ति में अनुरक्त होगा अगर कठोर तप करेगा तो उसे प्राप्त कर लेगा उसमें कोई संशय नहीं कर्म का फल तो मिलता ही है कर्म प्रधान विश्व करी राखा तुलसीदास तो जी के शब्दों में कि कर्म को तो प्रधान बना रखा है किसने इस विधाता ने कर्म को प्रधान बना रखा है कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही कर्म का फल प्राप्त कर लिया तो ये क्या भक्ति हुई ये किस प्रकार की साधन साधना हुई हाँ उस फल की तो साधना हो गई जिस कर्म जिस फल के निमित्त आपने कर्म किया उस फल को तो आपने साध लिया लेकिन क्या इसे हम भगवत भक्ति कह सकते हैं थोड़ा विचार करें तो हिरनक्षिपु ने कठोरतम तप किया कठोरतम तप किया और भगवान प्रकट हुए उसके समक्ष भगवान प्रकट हुए तो उसने अपनी पहले तो सीधा सीधा वर मांगा क्या वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं अब जब भगवान ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है ये संभव नहीं है तो फिर क्या कहता है आप सब लोग जानते ही होंगे कहता है कि मैं ना आकाश में मरू ना धरती पर ना अंदर मरू ना बाहर ना किसी देवता से मरू ना किसी मनुष्य से ना किसी पशु पक्षी से ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना दिन में ना रात में चला ली अपनी चतुराई उसने जहां तक चला सकता था और अंत में क्या हुआ वो हम सब जानते ही हैं इसलिए चतुराई से बचें हिरनक्षिप जब इस तप में संलग्न था तो इंद्र को अपना दाम सूझा इंद्र को दाम सूझा क्या करूं कहता है कि हर की जो पत्नी है उसका मैं हरण कर लेता हूं क्यों हरण करना चाहता था यह बताता है वो देव ऋषि नारद को यह हरण करके लेके जा रहा है हिरन की स्त्री को और देव नारद कहते हैं कि रे मूर्ख ये तू क्या कर रहा है इस स्त्री से तेरी तो कोई वैर भाव होना नहीं चाहिए कोई इससे तेरी दुश्मनी है नहीं तो फिर तू इसको कैदी की भांति क्यों लिए जा रहा है तो इंद्र अपना तर्क देता है देव नारद को कहता है नारद जी मैं इस स्त्री को लेके नहीं जा रहा हूं एक प्रकार से मैं तो इसका जो बालक है गर्भ में उसके कारण इसे लिए जा रहा हूं ये स्त्री तो मेरी शत्रु नहीं है लेकिन हिरणु का जो पुत्र इसके गर्भ में है वो तो मेरा शत्रु होगा ही इसलिए मेरा क्या प्लान है इंद्र भैब बोल रहे हैं किसको देवऋषि नारद को मेरा प्लान ये है कि जैसे ही ये बालक जन्म ले मैं उसकी हत्या कर दूं तत्पश्चात मैं इस देवी को इसके महल में सकुशल वापस पहुंचा दूंगा लेकिन अगर हिरण्यक्षिपू का ये पुत्र पैदा होकर बड़ा हो गया तो अवश्य ही देवताओं के लिए महान संकट बन जाएगा देव ऋषि नारद जी को इस बात का तब आभास हुआ पता चल गया उन्हें कि इस देवी के गर्भ में जो बालक है वो तो महान भगवत भक्त है देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा वहां पर इंद्र को कि तुम्हें इस बालक से डरने की आवश्यकता नहीं है यह असुर बालक तो अवश्य है की संतान है लेकिन ये देवताओं का विरोधी नहीं है ये तो महान भगवत भक्त है तो इसलिए तुम क्या करो इस स्त्री को मुझे दे दो और ये मेरे आश्रम में रहेगी जब तक हिरण क्षिपु वापिस आ नहीं जाता कहा कर रहा था उस तपस्या को जब तक वो पूर्ण नहीं कर लेता तब तक स्त्री को मेरे पास रहने दो तो गर्भवती माता प्रहलाद जी की कई महीनों तक देव ऋषि नारद के आश्रम में रही देव ऋषि नारद के आश्रम में रही तो वहां पर फिर उन्होंने क्या किया एक तेवरषी एक ब्रह्मऋषि एक महर्षि एक तत्वद्रष्टा के आश्रम में रहेंगे तो क्या होगा सत्संग होगा भगवत कथाओं का चिंतन होगा वेदांत का श्रवण होगा और यही सब वहां पर हुआ देवऋषि नारद जी ने भी क्या किया सोचा कि ये स्त्री यहाँ पर हो सकता है कष्ट में हो राजमहल में रहने की इसका स्वभाव है और यहाँ पर ऋषि आश्रम में वैसी सुविधा तो नहीं है चलिए क्या कर सकते हैं हम देवऋषि सोचा कि हम तो भगवान की कथाओं का इनको श्रवण करा सकते हैं जिनका यहाँ पर इस, इनका समय अच्छे से व्यतीत हो जाए देव ऋषि नारद उनको भगवत कथाएं सुनाते रहे और गर्भ में प्रहलाद जी भी वो सब कथाएं सुनते रहे अब देव ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हो गया प्रहलाद जी को पहले तो उनकी दृष्टि पड़ गई गर्भ पे ही कि ये कोई महान भगवत भक्त है वो महान भगवत भक्त होते ना होते जब किसी देव ऋषि ने कह दिया किसी तत्व ने कह दिया कि ये बालक महान भगवत भक्त है तो वो महान भगवत भक्त हो ही जाएगा चाहे महान आसूरी शक्ति क्यों ना हो तो पहले तो उनको देव ऋषि नारद से दीक्षा मिल गई भक्ति की कैसे दीक्षा मिल गई कोई बैठकर उन्होंने उनसे मंत्र का उच्चारण कराया नहीं तब तो नहीं कराया तब तो बालक गर्भ में है तो क्या करेंगे किया केवल इतना ही कहा कि ये महान भगवत भक्त है और महान भगवत भक्त कहने से ही इतना कहने भर से ही एक संत एक महापुरुष जब इतनी बात कह देते हैं वो सत्य हो जाती है और वो बालक महान भगवत भक्त उसी वक्त हो गया भक्ति मार्ग की दीक्षा उस बालक को माता के गर्भ में ही मिल गई दीक्षा मिल गई अब दीक्षा के बाद थोड़ी ट्रेनिंग भी चाहिए ट्रेनिंग भी चाहिए गुरु से दीक्षा भी हो और उसके बाद सत्संग भी हो वो सत्संग भी प्रहलाद जी को हाँ सुलभ हो गया संयोगवश कह लीजिए सुलभ हुआ कहा देव ऋषि नारद के आश्रम में ही सो गुरु से दीक्षित हुए गुरु का सत्संग सानिध्य मिला गुरु से श्रवण किया वेदों की वेदांत की ऋचाओं का और भगवत कथाओं का तो ये बालक तो महान भक्त होता ही इसमें तो कोई संशय की बात हो नहीं सकती इतने में क्या होता है प्रदान प्राप्त करके कौन सा वरदान मैं अंदर ना मरूं बाहर ना जमीन में ना मरूं आकाश में ना मरूं अस्त्र से ना मरूं शस्त्र से ना मरूं दिन में ना मरूं रात में ना मरूं किसी अंदर बाहर ना मरूं मनुष्य से ना मरूं किसी पशु पक्षी से ना मरूं देवता से ना मरूं दैत्य से ना मरूं इत्यादि इत्यादि जितनी लंबी लिस्ट उसने बतानी बता सकता था बता दी भगवान से वर प्राप्त करके वापस महल में आ गया और देव ऋषि नारद ने भी जब हिंदक्षिप वापस आया प्रहलाद को माता सहित गर्भ में प्रहलाद हैं और माता जी को उन्होंने सकुशल राजमहल में वापस भेज दिया और महल में ही प्रहलाद जी का जन्म होता है जन्म ऋषि आश्रम में नहीं होता जन्म तो उनके अपने घर में ही होता है तो जन्म लेते हैं प्रहलाद जी और जन्म के पश्चात क्या करते हैं उस कथा का श्रवण हम कल करेंगे ओम पूमद पूनमद पूर्णात दच्यते पूनस्य पूर्णमादाय पूनमेवशिष्य ओ शांति 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 हरि ओ तत्सत्